الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم। छह नंबर सबक है और गोया आज प्रैक्टिकल है हमारा सबक नंबर छह। शुरू करें, मैं पहले उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बता देता हूँ। इस सबक को हिजे और रवां दोनों तरीकों से पढ़ें। हरकात, तनवीन और तमाम हरूफ बिलखसूस हरूफ मुस्तालिया की दुरुस्त अदायगी का खास ख्याल रखें। हिजे इस तरह करें, हिजे इस तरह करें, किस तरह? ये मालिकों लिखा हुआ है, इसके हिजे में बता देता हूं। हिजे मतलब हम लोग इसको बोलते हैं जोड़ करें, जोड़ करके मीम जबरमा लाम जेरली माली काफ दो पेशकुन मालिकुन, मालिकुन नहीं कहना मालिकुन, क्योंकि हम पीछे ये पढ़ रहे हैं कि जिस पर जबर जेर पेश अकेली हो उसको लंबा नहीं करते, उसको खींचते नहीं है। आगे जमील भाई आप पढ़ें। खा, ये ना मुस्तालिया का उन्होंने कहा था, इसको जिसको पुर पढ़ना है उसका खास ख्याल रखना है। खा जबर खा, लाम जबर ला, खाला खाला, काफ जबर का, खाला का। आगे कौन पढ़ेगा? अनीस भाई आप पढ़ दें। ये काफ को और मोटा करें, काफ जबर का, क्या बना? सौदा का। जबरदस्त। ना यादा नहीं, यादा है। ठीक है, जबरदस्त हो गया। या जबर या, दाल जबरदा, यादा, काफ जबर का, यादा का। ठीक है ना, यादा का या यादा का, इस तरह करके हरूफ आते हैं, कलिमात और भी आते हैं इस तरह के, लेकिन आपने ये दिन में रखना है कि यहां कौन सा पढ़ा जा रहा है, तो यादा का हो गया। क्या हो गया जी सोहेल भाई? ना पूरा उसको बा का नाम पूरा लें। ठीक है, बा जबर बा, लाम जबर ला, बाला, गैन जबर गा, बाला गा। जबरदस्त। हाँ भाई आप पढ़ें। ता नहीं है, तो जबर तो, जबरदस्त। कोबा
कोबा आप पढ़ेंगे माशाल्लाह पढ़ें आपने इनको लंबा किया है आप पहले दो को पढ़ें ना देखिए जब आपने पढ़ा जा तो जब तीनों को मिला फिर आपने पढ़ा जा हालांकि जा ही रहना चाहिए था फिर देखें जा आला नहीं है जा आला फिर पढ़ें थोड़ा सा कम किया लेकिन अभी है लंबा जाला जाला दुनिया में कोई बंदा भी कुंद देन नहीं ठीक है कोई बंदा भी हर एक को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है हर एक को अल्लाह ताला ने सोच फिक्र दी है बस कुछ इस्तेमाल करते हैं और कुछ इस्तेमाल नहीं करते डिस हार्ट हो जाना ये किसी काम का हल नहीं है जो जबरदस्त है जीम जबरजा आइन जबरआ जा लाम जबरला जाला ये क्लियर ये फा क्यों करते हैं आप लंबा क्यों करते हैं फिर आगे वाला पढ़े कोई बात नहीं ना ये जा नहीं है ये नून है देखे नाजा पढ़े ना नाजा नहीं करना नाजा आगे जबरदस्त कमाल हो गया आप पहले वाला पढ़ें जो आपने पहले पढ़ा था नहीं फिर पढ़ें हाँ ठीक है हो जाएगा सीधा जाला तो आप असल हाँ जी बस आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना हो जाएगा जबरदस्त आप पढ़ यही सब आप जी फैसल भाई हम जा जेर ई जबरदस्त आप पढ़ेंगे जबरदस्त आप पढ़ बेटा आप दोबारा पढ़ें अब देखे ना अब जब नाम आपने याद किए थे पहले सफे पे जाएं या पहले सबक पे जाएं वहां आप देखें स्वाद को कैसे पढ़ा था उसके बाद हा को कैसे पढ़ा था और फा को अब पढ़ें इसको इसके ऊपर हरकात पढ़ें दोबारा जो
फापेशु जबरदस्त जी बेटा आप पढ़ेंगे ना सर जबरदस्त इब्ने सुहेल कि इब्ने इब्ने सुहेल आप पढ़ो बेटा जबरदस्त ये हा जबर हा आप लोग आप दोनों ने कहा मेरे पास बैठना इधर ठीक है ना हा जबर हा मीम जेर मी हामी दाल जबरदा हमीदा खा जबर खा जेरती खाती फा जबर फा खाती फा मीम जबर मा लाम जेरली माली काफ जेर की माली की ता जबरता जा जेरजी ताजी दाल जेरदी ताजीदी ता जबरता जीम जेरजी ताजी दाल पेशदू ताजीदू या जबरिया लाम जेरली जीम पेशजू यालीजू यहां यालीजू नहीं होना चाहिए मतलब आपने जिस तरह पहले पढ़ा है उस तरह ही जोड़ देना असल में भाई सब ये होता है कि हम जब हिफ्ज़ भी करते हैं कोई भी चीज जोड़ते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी जोड़ के तो फिर चेक करते जाते हैं इसका जिन्होंने इकट्ठा पढ़ लिया फिर उनको पता नहीं चलेगा देखे ना ये सूत्र बांधते हैं मिस्त्री सूत्र पढ़ा जा सकता है बगैर हिजे किए भी पढ़ा जा सकता है लेकिन हमारे यहाँ फिर वो ईजे बाद का ये है कि आप तजर्बा कीजिएगा बच्चों को बोलिएगा बच्चा पूरा लफ्ज सही पढ़ेगा क्योंकि बच्चे के जहन में बैठ गया है कि इसको मैंने इबिली पढ़ना है बच्चे के जहन में बैठ गया है कि इसको मैंने राजा का पढ़ना है उसको बोलो हिजे करो हिजे नहीं आएंगे हिजे करने का पता नहीं चलेगा मैंने कई मरतब बच्चों को पढ़ाते हुए चेक किया है कि चलो बच्चा सब रवान गलत पढ़ रहा है ना अब हिजे करना अगर उसको आता होगा तो फिर उसको हिजे करवा जाए हिजे करने से वो अपने दुरुस्त कर लेगा हिजे के लिए तरतीब जरूरी है क्योंकि तीन चार इकट्ठे पढ़े तो बाद को फिर पता ही नहीं चलता तो हिजे थोड़े थोड़े करके जोड़ते जाएंगे हिफ्ज करते हैं ना जब हिफ्ज में पहले दो लफ्ज इकट्ठे करके याद किए फिर तीन को मिला के याद तीसरे को याद किया फिर उनको मिला के पढ़ा फिर चौथे को मिलाकर पढ़ा फिर पांचवें को मिलाकर फिर पढ़ा फिर छठे को मिला इस तरह दो एक आयत पहले याद कर ली फिर दो आयतें मिला के फिर याद कर ली फिर तीसरी मिलाई फिर तीन याद कर ली इस तरह करके करना चाहिए काफ पेशकु काफ पेशकु ताजिरती उती लाम जबरला उतीला सीन पेशसु हमजा जेर ई
सुई लाम जबरला सुईला उरिया सुईला के वजन पर जी कामारी किबारू हुशीरा ये कुतिला के वजन पर आ गया हुशीरा हमजा जबर आ हा जबर हा आहा दाल दो जबरदन अलिफ नहीं पढ़ना पता है ना मरादन मरादन अमलन हा पेश हु दाल दो जबरदन हुदन तुवन उरन मीम जबरबा सीन जबरसा मासा दाल दो जेरदिन मासादिन सामानिन सामानिन साखातिन साखातिन गुलालिन फियातिन आयन पेशु नून पेशनु उनु काफ दो जेरकिन उनुकिन नफारुन सामादुन सामादुन नहीं कहना सामादुन नहीं कहना ड्रैग सामादुन गौतबुन लाइबुन उजुनुन ये जानी है जाल है उजुनुन कुतुबुन अब चार चार वाले आ गए चार उरूफ वाले दाल जबरदा रा जबर्रा दारा जीम जबरजा दाराजा ता दो जबरतन दारा जातन काफ जेरकी रा जबर्रा किरा दाल जबरदा किरादा ता दो जबरतन किरादातन किरादातन अलाकातिन सफारातिन शाजारातुन कातारातुन तो ये सबक नंबर 6 था इसको आपने बार बार रिपीट करना है बार बार पढ़ना है जिसको ये सारा याद हो जाए वो क्या करे कि पहला हरफ जो है ना उसके ऊपर अगर जबर है तो जेर लगाकर भी पढ़कर चेक करे पेश लगाकर भी पढ़कर चेक करे फिर दरमियान वाले पर जबर चेंज करके देखे जो दो पेश दो जेर हैं दो इनको चेंज करके अल्फाज देखिए सारे बामान हैं लेकिन आपने जब चेंज करना है तो उस वक्त ये ज़हन में रखना है कि मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं मुझे पढ़ा जाता है कि नहीं क्योंकि बाज़ औक़ात आप जब चेंज करेंगे तो उसका कोई माना नहीं बनेगा ये सारे कलिमात वो हैं जो कुरान पाक में से अच्छा ये लफ्ज जो है ना ये हमारे यहां उर्दू में आम है ये लफ्ज लेकिन ये मानी नहीं होता लफ्ज होता है माना जिस तरह मुस्तफा होता है ना आखिर में या ही है लेकिन पढ़ने में हम क्या पढ़ते हैं मुस्तफा मुजतबा मुर्तजा इस तरह ये माना होता है लफ्ज हम लोग अच्छा जमा जब बोलते हैं ना अल्फाज मानी वो मानी होता है लेकिन यहां टीचर्स हों या कोई भी वो सारे अल्फाज मानी इसका मानी बताए अब तो अगर हमारे दिन तो लफ्ज चढ़ना मुश्किल हो गया लेकिन यह पहले हम भी बोलते थे मानी इसका मानी क्या है तो सबक नंबर 22 है मिल गया नमाज अल्लाहु अकबर
अल्लाहु अकबर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये हा है, व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक स्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, गैरुक का भी पढ़ सकते हैं, गैरुक जो वक्फ करना हो तो फिर गैरुक पढ़ते हैं। तो ये आपने साथ साथ अब ये भी याद करनी ताकि नमाज भी हमारी दुरुस्त हो। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین ہم یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تیرے قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے مدنی قاعدہ مولا کریم تو کامیابی نصیب فرما الہ العالمین ہمیں درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما پھر نورِ قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما مولا کریم ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما قرآن سے پیار نصیب فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین